हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के। आज 5 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी न्यूज, आर्थिक समाचारों की। ऑन द बेसिस ऑफ एन असेसमेंट ऑफ द करंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MCPs एट इट्स मीटिंग टुडे डिसाइड टू फर्स्ट रिड्यूस द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LF बाई 25 बेसिस पॉइंट टू 6.0% फ्रॉम 6.25% विद इमीडिएट इफेक्ट। सेकेंड, LAF स्टैंड एडजस्ट टू 5.75% एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड द बैंक रेट टू 6.25%। एंड लास्ट थर्ड, GDP ग्रोथ फॉर 2019-20 इज प्रोजेक्टेड एट 7.2%। वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति ने अपनी बैठक में आज ये निर्णय लिया है कि पहला, चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत पॉलिसी रेपो दर 25 आधार अंकों के तत्काल प्रभाव के कारण 6.25% से घटकर 6.0% हुई है। द्वितीय, परिणामतः LAF के तहत रिवर्स रेपो दर 5.75% और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.25% तक समायोजित है। और तृतीय, 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.2% पर अनुमानित की गई है। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द लिमिट्स फॉर वेज एंड मींस एडवांसेस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अप्रैल 2019 टू सितंबर 2019 एट 75,000 करोड़ रुपीज। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2019-20 अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 की पहली छमाही के लिए वेज एंड मींस अग्रिम की सीमा 75,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। द UAE ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द प्रेस्टिजियस जायद मेडल फॉर गिविंग ए बिग बूस्ट टू बायलेटरल स्ट्रेटेजिक टाइज। प्रेसिडेंट ऑफ द UAE शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान कन्फर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी विद द अवार्ड The highest decoration awarded to king, president and heads of states. UAEN ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों में एक विशाल प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिष्ठित जायद पदक से सम्मानित किया गया है। UAE के अध्यक्ष शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया, जो राजाओं, राष्ट्रपतियों, राज्यों के प्रमुख को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट, डॉक्टर पवन मुंजल, चेयरमैन हीरो मोटोकॉर्प, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, वाज फैसिलिटेटेड बाय द एशियन टूर विद स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एशियन गोल्फ। डॉक्टर मुंजल वाज प्रेजेंटेड विद ए स्पेशल साल्वर बाय लीडिंग इंडियन गोल्फियर शिव कपूर कपूर रिप्रेजेंटिंग द प्लेयर्स ऑन द एशियन टूर। मोटरसाइकिल और स्कूटर की विश्व निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन डॉक्टर पवन मुंजाल को उनके एशियन गोल्फ को दिए गए योगदान के लिए एशियन टूर द्वारा स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मुंजाल को एशियन टूर का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के भारतीय गोल्फर शिव कपूर द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, द गार्डनर फाउंडेशन अनाउंस्ड द 2019 कनाडा गार्डनर अवार्ड ल्यूट्रियस
recognizing Goa and Boston based Vikram Patel for his research career rising the global profile of mental health problems. Professor Patel has been awarded 2019 John Drix Canada Grantor Global Health Award for his world leading research in global mental health, generating knowledge on the burden and determinants of mental health problems in low and middle income countries. गर्डनर फाउंडेशन ने गोवा और बोस्टन में स्थित पीएचडी ऑफ मेडिकल साइंस विक्रम पटेल को अपने कैरियर में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का वैश्विक स्तर पर शोध करने के लिए सम्मानित करते हुए 2019 कनाडा गर्डनर अवार्ड पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की. प्रोफेसर पटेल को वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य में अपने विश्व अग्रणी शोध के लिए 2019 कनाडा गर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने निम्न मध्यम आय वाले देशों में तनाव के संबंधित जानकारी दी तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निर्धारण किया है. नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की. शिकागो हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय इलेक्टिंग एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन एज इट्स मेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. लाइटफुट विल टेक ओवर ऑफिस फ्रॉम मेयर रहम एमानुएल. शिकागो ने पहली बार मेयर के रूप में एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला का चुनाव करके इतिहास रचा है. लाइटफुट मेयर रहम एमानुएल का स्थान लेंगी. नेक्स्ट, विपिन आनंद हैज टेकन चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. प्रियर टू दिस ही वाज इन चार्ज ऑफ एलआईसी वेस्टर्न जोन हेडक्वार्टर्स एट मुंबई. विपिन आनंद ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है. इससे पहले वह LIC के पश्चिमी क्षेत्र के प्रभारी थे जिसका मुख्यालय मुंबई में था. और नेक्स्ट लास्ट न्यूज है मिसलेनियस न्यूज विविध समाचार. व्हाट्सएप लॉन्चेज एंड इंडिया फॉक्स्ड फैक्ट चेकिंग फीचर टू कॉम्बैट फेक न्यूज एंड रूमर्स स्टार्टिंग विद द रन अप टू द लोकसभा इलेक्शंस. व्हाट्सएप ने फर्जी खबरों और अफवाहों से निपटने के लिए लोकसभा चुनाव की शुरुआत से पहले भारत केंद्रित तथ्य जांच सुविधा शुरू की है. तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यू.